वेलकम स्टूडेंट, मैं पल्लवी निशा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, विद्या भवन महिला कॉलेज सिवान, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं आप लोगों को गुलाम वंश के संस्थापक राजाओं में से उसके करी को आगे बढ़ाते हुए शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में बात करूंगी। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिनका शासनकाल दिल्ली सल्तनत में 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक का होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत पर जो अगला शासक होता है वह आराम शाह बनाए जाते हैं, और आराम शाह अयोग्य शासक होते हैं और उनको हटाकर शमसुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली सल्तनत पर अपना राज्य स्थापित किया जाता है। थोड़ी सी इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी ले लूं। प्रारंभिक जीवन जो है इनकी, प्रारंभिक जीवन ये इलबरी तुर्क जनजाति से संबंधित थे। जो इलबरी तुर्क है, इलबरी तुर्क जनजाति से संबंधित हैं। इनके पिता जो थे इलम खां, इसी इलबरी तुर्क के कबीलियाई सरदार थे। इनके पिता इलम खां इसी इलबरी जनजाति के कबीलाई सरदार थे। ये बचपन से बहुत ही मेधावी थे, कुशाग्र बुद्धि के थे और बहुत ही सुंदर होने के कारण इनके भाइयों के द्वारा ईर्ष्यावश इन्हें गुलाम के जो गुलाम बाजार ले जाकर इनको गुलामों के व्यापारियों के हाथों बेच दिया जाता है, और इस तरह से इल्तुतमिश का जो जीवन होता है एक गुलाम के रूप में शुरू होता है। अपनी प्रतिभा और अपनी योग्यता के बल पर ये एक प्रमुख गुलाम के रूप में सामने आते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि इनकी काबिलियत को देखकर मोहम्मद गौरी ने इन्हें खरीदने की पेशकश की थी, लेकिन इनके जो व्यापारी थे मोहम्मद गौरी को बेचने से इनकार कर दिया, जिसे गौरी क्रुद्ध होकर इल्तुतमिश के क्रय विक्रय पर ही रोक लगा दिए थे। आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक जब गजनी में जाते हैं और गजनी के में इल्तुतमिश से मिलते हैं, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इल्तुतमिश को खरीदने की इच्छा प्रकट की जाती है, और वो मोहम्मद गौरी से इस चीज़ के लिए परमिशन लेते हैं, आज्ञा लेते हैं, और पुनः मोहम्मद गौरी की आज्ञा से इल्तुतमिश को अपने गुलाम के रूप में, अपने सेवक के रूप में वो खरीद लेते हैं, और इल्तुतमिश को खरीदने के बाद वो दिल्ली लेके चले आते हैं। तो इस तरह से एक प्रारंभिक जीवन मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये इलबरी तुर्क जनजाति से संबंधित थे और इनके पिता जो थे इसी तुर्क जनजाति के कबीलियाई सरदार थे। आरंभ में इन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक ने सर ए जहांदार यानी अंगरक्षकों का प्रधान नियुक्त किया था। सर ए जहांदार जो इनकी नियुक्ति की गई थी, सर ए जहांदार यानी अंगरक्षकों का प्रधान, या अंगरक्षकों का प्रधान होता है, उसके प्रधान के रूप में इनकी प्रारंभिक नियुक्तियां होती हैं। पुनः अपनी योग्यता के बल पर ये आगे बढ़ते जाते हैं। फिर अमीर ए शिकार जो सैनिक वर्ग होते हैं, अमीर ए शिकार के पद पे जाते हैं। अमीर ए शिकार के बाद आप देखेंगे कि अपनी योग्यता से ये अमीर का पद प्राप्त करते हैं, जो उस समय
सबसे ऊंचा पद होता था और यह पद इनको ग्वालियर विजय के पश्चात मिलती है। ग्वालियर विजय जब मोहम्मद गौरी करते रहते हैं उसके समय आप देखेंगे कि ग्वालियर विजय के पश्चात ये अमीर के पद पर आसीन होते हैं 1200 ईस्वी में। उसके बाद हम देखते हैं कि खोखरो के विरुद्ध जब मोहम्मद गौरी का अभियान चलता है और उसमें इनके द्वारा सैनिक रूप से ये शामिल होते हैं और सहायता करने के कारण मोहम्मद गौरी इनसे प्रसन्न होते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक को एक डायरेक्शन देते हैं कि इनको दासता से मुक्त कर दिया जाए और इसी समय इनको बदायूं का इक्तदार भी बनाया जाता है और बदायूं का इक्तदार इन्हें नियुक्त किया जाता है। बदायूं का इक्तदार नियुक्त होता है और बदायूं के इक्तदार के समय कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी एक पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से करा देते हैं। तो ये इनकी प्रारंभिक जीवनी है और इनके योग्यता के द्वारा जो ये प्रमुख नियुक्तियां इनको मिला है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। बदायूं का इक्तदार नियुक्त होने के बाद इनकी जो 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है उसके बाद हम देखते हैं कि ये 1210 ईस्वी में अपना राज्यारोहण कराते हैं और इसके लिए इन्हें आराम शाह जो उस समय कुछ समय के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अमीरों की सहायता से सुल्तान शासक बनते हैं और उनके साथ इनको एक युद्ध करना पड़ता है जो कहलाता है युद्ध का युद्ध। आराम